तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वर्कशॉप पे, और गाइस आज आप लोगों को मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। ये मशीन कितने की है, मशीन के बारे में जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए। और गाइस आज 14वां रोज़ा है, 14, और आज बिना सहरी के रोज़ा रखो गाइस, उठ ही नहीं पाया, सो गया था मैं। तो चलो गाइस अब आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस ये सिंगर की 191 मशीन है, ये अभी इनकम्प्लीट है गाइस, अभी इसके ऊपर काम चालू है, अभी इसका मैं काम कर रहा हूँ गाइस। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपको इसके बारे में सब बताते हैं। तो गाइस देखो ये कुछ ऐसी मशीन है, और अभी इसका काम चालू है, अभी कंप्लीट करता हूँ। अभी इसका थोड़ा काम अधूरा बाकी है गाइस, तो अभी वही मैं कंप्लीट करूँगा, आप लोग बने रहिए। तो गाइस देखो मामा आ चुके हैं, हाय कर दो, मामा आ चुके हैं गाइस। तो गाइस देखो बीच में रिपेयरिंग की मशीन आ गई है, तो इसको करते हैं, फिर बाद में आपसे इस पे मिलते हैं। मैं कुछ सिखाए दो कांचुल लोग का कैसे क्या होते हैं वो स्पीड कम ज़्यादा करने का है बस। मैं कुछ नहीं भेजूंगा, ये वाला भी भेजूंगा, जीतू को भी भेजूंगा, वो इतने के लिए चलो। एस क्यों डालते हो एस स्पीड है, ये इसका प्रोग्राम नहीं, ऐसे कुछ और होता है, ऐसे स्पीड है हैं। और कम अगर करना हो तो कम इससे कहते हैं चला। अच्छा नहीं था भाई, थोड़ा अच्छा दिखता है वो ब्लू पे बोलो, ये कटर है, काट 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 है दो वंडी में दो मशीन के बाद भी मैं एक फोटो भेजता हूँ, आप समझ जाएंगे कौन सा है, फोटो भेजता हूँ उससे रिवर्स नहीं। पहले का वहाँ मशीन बिक चुका है, मतलब सही है। हाँ उंगली हटाओ बाबू, उंगली ब्लेड निकला है, ब्लेड होता तो कटर से खट से कटता है। मेरे पास भेज रिवर्स ले, रिवर्स कहाँ ले लेंगे।
धागा निकल गया सर। इससे भी हो। तो गाइस आप लोगों को ये कैलिन मशीन कैसी लगी? है ना एकदम कड़क, एकदम कड़क माल है ना। तो गाइस अब ये सिंगर 191 मशीन कंप्लीट हो चुकी है, अमेरिकन कंपनी है सिंगर, लेकिन ये है मेड इन जापान। ये देखो गाइस मेड इन जापान, आप मेड इन जापान। और यहाँ पे भी ये वाली मशीन चुकी DDL 227 मशीन है, मेड इन जापान। इसके साथ आती है ऑयल पंप के साथ में आती है गाइस, ऑयल मशीन है। और इसको आप लेदर पे भी चला सकते हो। और साढ़े 8,000 की बोलो, कंप्लीट सेट इसका 8,500 का आएगा पूरा, और 191 का भी 8,500 का आएगा मुंडी। सब स्पेयर पार्ट है, सब स्पेयर पार्ट्स भरे हुए हैं गाइस। आप लोग को कोई भी स्पेयर पार्ट अगर लेना होगा तो गाइस ये सारी मशीनें स्टॉक में रखी हुई हैं। ये डबल प्रेशर मशीन है, निकल बाई झुकी सब मशीन है। और ये 1181 है, और ये 1181 है गाइस, 1181। ये वो है ना मामू डबल प्रेशर, और गाइस जो आजकल चलती है। और ये देखो गाइस झुकती की ये मशीन, पानी चापानी। और गाइस पूरा स्टॉक भरा हुआ है स्पेयर पार्ट्स का, अगर आप लोगों को कोई भी स्पेयर पार्ट्स लेना होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं इस दुकान का मामू का नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग फ़ोन करके कोई भी मशीन बुक करवा सकते हो। और गाइस घर की सर्वो मोटर का डालो। और गाइस ये देखो ये सर्वो मोटर है, स्पीड इसका कम ज़्यादा होता है और पावर सेविंग भी है, इसकी बिजली कम जाएगी। कितने का है? कितने का ये? 3,500। तो गाइस ये 3,500 का है ये सर्वो मोटर। और बाकी ये सब घर की मशीन है गाइस, ये न्यू मशीन है ब्रदर की SV 3,500 की होलसेल रेट है गाइस। और ये रीटा मशीन है, एकदम न्यू मशीन है गाइस, पेटी पैक आप लोग देख ही सकते हो। और रीटा ओल्ड है, और रीटा ओल्ड है गाइस। तो गाइस जो आप लोगों ने कैलिन मशीन देखा उसका मुंडी का हेड जो है वो खाली 13,000 का है, 13,000 का। और कंप्लीट सेट अगर आप लेने आओगे तो 15,500 का मिलेगा। तो गाइस ये आपको शरीफ इंडस्ट्रियल पे मिल जाएगा ये सारे सामान, और स्विंग मशीन का जो भी स्पेयर पार्ट्स है सब यहाँ पर मिलता है गाइस। तो ये शरीफ इंडस्ट्रियल का आप लोगों को कार्ड अभी वीडियो में शो कर दूंगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ सब डिटेल्स मिल जाएगी, यहाँ का एड्रेस फ़ोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस तो चलो गाइस मिलते हैं किसी और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।